Assalamualaikum everyone, once again welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं आई हूँ वाटर पंप का बहुत ही मज़ेदार और मशहूर अंडे वाला बर्गर टेस्ट करने. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके 100% रिव्यूज़ और इसकी मेकिंग का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी. तो ये हैं दाल वाले कबाब, जिसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी. तो इन कबाब की रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से करना चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा. तो इस कबाब की रेसिपी बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर मिलेगी. पहले हम देखते हैं अंडे वाले बर्गर की मेकिंग, के ये लोग बर्गर किस तरह से रेडी करते हैं, इनका बर्गर टेस्ट में कैसा है और मुझे यहाँ का बर्गर कैसा लगा वो तो मैं आपको टेस्ट करने के बाद ही बताऊंगी. लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, ये 3 लेयर्स वाला बर्गर रेडी कर रहे हैं. इसके लिए इन्होंने जो है वो फर्स्ट लेयर रेडी की है. इससे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के बर्गर को अच्छी तरह से इन्होंने जो है वो सेक लिया है, और उसके बाद इन्होंने अपना दही का रायता जो इनका रेडी था वो इसके ऊपर लगा लिया है. अच्छा, दही का रायता जो था इनका बहुत अच्छा बना हुआ था, गाढ़ा भी था. ज़्यादा जैसे होता है अक्सर हम जो है वो बर्गर वगैरह लेते हैं तो उनका रायता अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका दही का रायता बहुत ज़्यादा मज़े का था और गाढ़ा भी था. ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो कबाब बना के रखे हुए थे, जिसकी रेसिपी बहुत जल्द आप मेरे चैनल पर देख सकेंगे, तो वो ये कबाब जो है वो पहले से ही अंडा लगा कर जो है इसको फ्राई करके रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको दोबारा से जो है सेक रहे थे, और इसको सेकने के बाद इसके हाफ हाफ करके एक एक बर्गर के ऊपर इन्होंने इसको रख लिया था. बहुत प्रोफेशनल तरीके से बर्गर रेडी कर रहे थे. जाहिर है इनके दिन रात का यही काम होता है, ना जाने रोज़ाना ये लोग कितने बर्गर रेडी करके सेल करते होंगे, तो इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा थी. और मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे अंदाज़ा था कि बहुत जल्दी जल्दी इतने इतने सारे बर्गर के ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर रहे थे. अब क्या किया इन्होंने, जो बर्गर बन की सेकेंड लेयर थी उसको भी हल्का सा ऑयल लगा कर थोड़ा सा सेक लिया, और फिर इसको सेकेंड लेयर को जो है वो बर्गर के ऊपर इन्होंने रखना है. तो यहाँ पे जो है पहले इन्होंने रायता लगाया, उसके बाद कबाब वगैरह रखे, और यहाँ पे अब बन की इन्होंने जो थी वो सेकेंड लेयर रख ली थी. सेकेंड लेयर के ऊपर इन्होंने लगाया था हल्का हल्का सा मायोनीज़, चाहे तो आप ज़्यादा भी लगवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, कि अगर आपको पसंद है तो आप जो है वो कम लगवा लें या फिर ज़्यादा लगवा लें. बहरहाल सेकेंड लेयर के ऊपर इन्होंने हल्का हल्का सा मायोनीज़ लगाया, और मायोनीज़ लगाने के बाद दूसरी तरफ इन्होंने इसके ऊपर रखी कटी हुई गोभी. बन गोभी जो है वो रख दी थी. दूसरी तरफ जो था इन्होंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर जो है वो फ्राई कर लिया था. यहाँ पे अंडा जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे प्रोफेशनल अंदाज में बर्गर रेडी कर रहे थे. यहाँ पे जो है अंडा भी एक तरफ पक रहा था और दूसरी तरफ जो है वो बर्गर्स रेडी हो रहे थे. तो यहाँ पे बंद गोभी रखने के बाद इन्होंने जो है वो अंडे को अच्छी तरह से तल के इसके ऊपर रखना था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इन्होंने डाला इसके ऊपर चाट मसाला. ठीक है, अच्छा, इनके बर्गर में एक ये क्वालिटी थी कि इसमें ज़्यादा सॉसेस, चटनी जैसे अक्सर बर्गर में होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, मुख्तलिफ चटनियाँ होती हैं जिसे खाने के बाद बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है. तो स्पेशली ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो लोग स्पाइसेस कम खाते हैं या जिन्हें एसिडिटी का प्रॉब्लम है मेरी तरह, तो वो ये बर्गर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. तो इन्होंने जो है अंडा रखने के बाद इसमें केचप रखा, और केचप रखने के बाद फाइनली इन्होंने थर्ड लेयर जो थी बन गई वो इसके ऊपर रख के इसे हल्का सा ऑयल डाल के इसे ऑयल में जो है वो सेक लिया. तो मैं ये कह रही थी कि जो एसिडिटी पेशेंट होते हैं वैसे तो हमें उन्हें बाहर के फूड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर वो मेरी तरह फूडी हो और शौकीन हो तो मैं ऐसी जगह को एक्सप्लोर करती हूँ, आपने देखा होगा, जहाँ पे स्पाइसेस कम हो. तो ये बर्गर मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस बर्गर में स्पाइसेस नहीं थी. मैंने और भी बहुत जगह के बर्गर खाए हैं लेकिन वहाँ पे इतनी खट्टी चटनियाँ और ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो खाने के बाद जो है ना बर्गर को आपको एसिडिटी लाजमी हो जाती है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, इनका दही का रायता बहुत ज़्यादा मज़े का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया क्योंकि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था. तो जनाब, अब आ गया था यहाँ पर हमारा ऑर्डर. मैंने मंगवाए थे फ्रेंच फ्राइज जो इनकी शॉप पे नहीं थे, बराबर वाली शॉप से इन्होंने 50 रुपीज़ के ला के दिए थे, और हमारे बर्गर्स भी रेडी होकर आ गए थे. तो अब मैं यहाँ पे बर्गर टेस्ट करूँगी और इसके ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी. मैंने आपको इसको पूरी मेकिंग का तरीका इसकी आपको दिखाया, लेकिन अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा था और ये खाने में कैसा लग रहा था. तो चलिए करते हैं यहाँ पे बर्गर को टेस्ट. और देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था, रायता भी बहुत ज़बरदस्त था, और मैंने यहाँ पे लिया बर्गर का 1 बाइट. तो यार, बिलीव मी कि बर्गर बहुत मज़े का था, एक्स्ट्रा स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं थी, रायता भी बहुत अच्छा था. एक बार यहाँ का बर्गर ज़रूर ट्राई कीजिए. ये है वाटर पंप पे शॉप और इनका नाम है सुपर बर्गर. ठीक है, जब भी आप वाटर पंप जाकर किसी से पूछेंगे तो ईजिली आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस मैंशन कर दूँगी. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए. अल्लाह हाफिज़.